अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं अलिफ शोबिज सीक्रेट्स। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ आयशा गुल के बारे में। ये अदाकारा आयशा गुल कौन है, इनकी फैमिली में कौन कौन है, मुकम्मल बायोग्राफी आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल अलिफ शोबिज सीक्रेट्स पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि शोबिज से आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बरवक़्त मिल सकें। एज अ सीनियर आर्टिस्ट काम करने वाली आयशा गुल पाकिस्तान के शहर क्वेटा बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं और 8 अगस्त 1977 को क्वेटा में पैदा हुई। इस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 46 ईयर्स हो चुकी है। इन्होंने कालिस्तान स्टेट मेडिकल एकेडमी से डॉक्टरी में अपनी तालीम मुकम्मल की और एज अ डॉक्टर जब इन्होंने कंप्लीट कर ली अपनी डॉक्टरी तो उसके बाद इन्होंने शोबिज को ज्वाइन किया। 1998 में इनका पहला डेब्यू शो रहा नचले में, ये पहली बार नज़र आई थी और उसके बाद इन्हें काफ़ी ऑफर्स हासिल हुई डायरेक्टर से और इन्होंने PTV चैनल के लिए पहला ड्रामा कैक्टस के फूल में ये नज़र आई, एक जिंदगी तुम भूल गई हमको और कचरा कुंडी में भी इन्होंने काम किया जहां इन्होंने काफ़ी शोहरत भी हासिल की। और उसके बाद एज अ सीनियर आर्टिस्ट अब आपको ड्रामा मुकद्दर, ड्रामा कलंदर, ड्रामा दाओ, ड्रामा बचारी कुत्सिया और ड्रामा मैं ना जाऊं जानू के अलावा दमसा में भी काफ़ी शोहरत हासिल कर चुकी हैं जहाँ इनकी एक्टिंग को बेहद पसंद भी किया जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ इनकी फैमिली के बारे में। तो ये एक नॉन आर्टिस्ट फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके वालिद एक बिजनेसमैन हैं जबकि इनकी वालिदा हाउस वाइफ हैं। और व्यूअर्स, इनके बात करते चले इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में, तो ये मैरिड हैं और इनकी शादी अली सैयद के साथ हुई और अनफॉर्चुनेटली इनकी शादी जो है वो इतनी नहीं चल पाई और इनकी डाइवोर्स के भी काफ़ी रूमर्स सामने आए हैं। लेकिन इस बात में कितनी हकीकत है ये तो आयशा गुल खुद ही बता सकती हैं। बात करते हैं यहाँ इनकी फ़िज़िकल अपेयरेंस के बारे में। तो इनकी हाइट 5'3", इनका हेयर और आई कलर ब्राउन, इनकी कम्प्लेक्शन फेयर है, इनका फेवरेट कलर ब्लैक, इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन पाकिस्तान, इनकी हॉबी शॉपिंग करना, ट्रैवल करना है। तो व्यूअर्स, ये खूबसूरत सी अदाकारा, सीनियर अदाकारा आयशा गुल आपको कैसी लगती हैं, इनका कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट है, कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और शोबिज़ से जुड़ी मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल अलिफ शोबिज़ सीक्रेट्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान।